मैं जब भी बाल आपने खोलती हूँ ना, यकीन माने शीशे में देख के खुद को डर जाती हूँ कि यार मैं चुड़ैल लग रही हूँ। फिर वही क्लिप लगाती हूँ पीछे, फिर वो यहाँ इतना डिसेंट सा तैयार होती है, माशाल्लाह मैं वारी अपने आप तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तो मेरा नाम सबको याद हो चुका होगा, तो अभी जल्दी में मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कज़न की शादी है गांव में और हम लोग उसकी शादी की डेट फिक्स करने जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। रेडी क्या होना, देखें मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा लगता है वो बाल खुले रखना और इतना सारा मेकअप करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, देखना कैसी लग रही हूँ मैं। तो हम जा रहे हैं शादी की डेट फिक्स करने के लिए, तो इंशाल्लाह आज शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। फिर ईद के तीसरे दिन मेरे कज़न की शादी है, तो पूरी वीडियो आपको शादी की दिखाऊंगी, ठीक है जी। तो कभी आपने देखा है कि हम लोग बाइक पे शादी की तारीख तय करने जा रहे हैं? मैं बाइक पे जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि भी गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आपको पता है ना एडवेंचर का शौक़ है कि हम बहुत कम इन इलाकों में आते हैं। तो जब ऐसे इलाकों में आते हैं तो दिल करता है कि ये इलाके देखें, इनकी खूबसूरती देखें। तो ये झावरियाँ के आसपास है ठकुआ, कोई गांव है देहात है ठकुआ जिसका नाम है, तो वहाँ पे हमारे ये रिलेटिव रहते हैं। मेरे पाँव के नीचे आप देखें बाइक के नीचे पूरी कच्ची ज़मीन है, और इस टाइम गर्मी भी बहुत है और हवा भी चल रही है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा मौसम बेहतर है, वरना इस टाइम तो हालत ख़राब हो जाती है। तो हम बाइक पे इसलिए हैं क्योंकि हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं। हम बहुत शौक़ है ये अपने इलाके की ग्रीनरी और ये भैंसे वगैरह देखने का। असल में वो जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो वाइट टंकी वाला घर, उस घर में हमने जाना है। हमारी लड़की जिसके साथ हमारे कज़न की शादी होने, वो लड़की इस घर में रहती है। तो मैंने सोचा ज़रा गाड़ी वाले पीछे हैं तो मैं ज़रा अपने कपड़े वपड़े सही कर लूँ भी कैसी लग रही हूँ ये। तो बाकी आपको दिखा दूँ कि इस तरफ देखें, ये आज कल कारोबार यहाँ पे बहुत चल रहा है फ़िश फॉर्म का, तो ज़रा यहाँ से नज़र दौड़ा के आएँ तो मेरे पीछे ये ऐसा लग रहा है जैसे झील होती है, लेकिन ये झील नहीं है, ये फ़िश फॉर्म है, यहाँ पर फिशें पाली जाती हैं। अच्छा तो अभी हम यहाँ से जाएँगे, ये देखिए ट्यूबवेल है। रास्ते दुश्वार गुजार है, मंजिल को पाना है, हासिल करने चले अपनी मोहब्बत। ये रास्ता मुझे पता नहीं है किधर जाता है। बाकी फिर पूरी फैमिली हमारे पीछे आ रही है, बाकी सब लोग जितने भी, जारी बात है यहाँ तारीख तय करने के लिए आ रहे हैं, तो गांव के जो लोग होते हैं ना वो ज़रा मोहब्बतें बहुत बांटने वाले होते हैं। तो जो भी आप में से कोई गांव का है तो आप लोगों को पता होगा कि जब एक लड़के की तारीख सिर्फ हम तय करने के लिए आते हैं तो उसके चाचा मामा फूफियाँ ताइयाँ मासियाँ मतलब जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो सब इन्वाइटेड होते हैं। तो अभी हमारी गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं, बाकी सब लोग पीछे आ रहे हैं, हम जल्दी से आगे आए क्योंकि हम बाइक पे थे। दूसरी बात ये कि अभी गाँव के लोग ना थोड़े से प्रोसेसिव बहुत होते हैं, मतलब खुद को वो बांट नहीं सकते किसी से। तो मेरे घर वालों ने भी बहुत पाबंदी लगाई हुई है कि हमारा कोई शॉर्ट क्लिप जो है ना यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं चोरी चोरी जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं एक अदद उनकी पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी या कोई छोटा मोटा क्लिप ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको पता है मैं भी अलीशा, मैं भी फिर कैप्चर कर ही लेती हूँ, तो रहिएगा तैयार, चोरी चोरी बनाएंगे। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि इसने तारीख तय करने की हमारे शॉर्ट क्लिप लेके यूट्यूब पे डाले हैं, मुझे तो चमाटो चमाटी होंगे इसीलिए। अच्छा तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं इंतज़ार, हमारी गाड़ी बहुत पीछे रह गई है, तो ज़रा मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। देखे ना वही पुराना बैग वही है, देखे तो ऐसे हूँ मैं। तो बस इतना सा तैयार होना मुझे आता है, ज़्यादा मेकअप करा मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद भी नहीं है, और कोशिश करती हूँ कभी, अच्छा कभी दिल भी करता है कि यार आज बाल ऐसे खुले करूँ, स्ट्रेट रखूँ, थोड़ा सा फैशन करूँ, फिर जैसे ही बाल खोलती हूँ ना जल्दी से पीछे लपेट के ऐसे करके यूँ कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ तो स्कार्फ अच्छा लगता है, हिजाब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर मुझे ये वाला स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी बताइएगा कि मतलब मुझे इससे ज़्यादा तैयार होना चाहिए था या नहीं होना चाहता। वैसे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे खुसरे की तरह तैयार होती हैं, वो खुसरा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता, सीरियसली। ये लिपस्टिक, ये आंखें बनाई हुई हो, ये डाइनो चुड़ैलों की तरह बाल खोले, जब भी बाल आपने खोलती हूँ ना यकीन माने शीशे में देख के खुद को डर जाती हूँ कि यार मैं चुड़ैल लग रही हूँ। फिर वही क्लिप लगाती हूँ पीछे, फिर वो यहाँ इतना डिसेंट सा तैयार होती है, माशाल्लाह मैं वारी अपने आप तो। जी हम पहुँच आए हैं दुल्हन के घर में, तो दुल्हन का घर वो सामने है,
तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बाइकें खड़ी की हैं। अच्छा, दुल्हन के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गांव की। अच्छा, मैंने ना कभी इतनी ज़्यादा गांव की शादी नहीं देखी। आपको पता है मैं ज़्यादा कराची में, मेरे लाइफ का काफ़ी हिस्सा कराची में गुजरा है, तो इसलिए मैं यहाँ के ये इलाके भी जानती नहीं हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है इस एरिए में आने का भी। तो हम सब जा रहे हैं तो जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। जैसे कि आप जानते हैं, गांव देहात में ये शादी तय हो रही थी, तो अंदर के मनाजिर हम नहीं दिखा सकते थे क्योंकि हमें सख्ती से मना किया गया था कि अंदर के बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं दिखानी। तो आई एम सो सॉरी कि मैं अंदर नहीं दिखा सकी आपको, लेकिन शादी एंड नहीं, मेहंदी एंड बारात बाकी है और वो मैं किसी की नहीं सुनने वाली, वो आपको सब कुछ ज़रूर दिखाऊँगी। तो आज का व्लॉग इतना ही। बहुत देसी तरीके से हमारी शादी तय हुई है आज की, और जिन दो लोगों की शादी तय हुई है, अल्लाह पाक उनको ये नया रिश्ता मुबारक करे और वो अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह पाक उनको बहुत सारी खुशियां से नवाजे। तो अल्लाह पाक हर सब सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, बस टाइम से पहले शादी हो जाए। मेरी शादी अभी नहीं हुई, मेरे लिए अभी कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा तो मैं अभी सिंगल हूँ जी। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग वापस। आज का व्लॉग इतना ही था। हमारे भाई का रिश्ता तय हो गया है, डेट में भी आपको कंफर्म नहीं करने वाली, इतनी हिंट देती हूँ कि ईद के बाद उनकी शादी है। आज तो मुझे इन्होंने मना कर दिया है कि अंदर के मनाजिर नहीं दिखाना, लेकिन मेहंदी एंड बारात मैं आपको पूरी दिखाऊंगी कि यहाँ की देसी शादी और बिल्कुल सादगी सादा माहौल में शादी कैसी होती है। तो गर्मी बहुत है इसलिए हमारी देखे गाड़ी बिल्कुल रेडी हो रही है, सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Let's go.